मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं लंदन, फ्रेंड्स फैमिली सब लोग जा रहे हैं। हाय चिकू, चिकू, चिकू की पहली बस जर्नी। चिकू देखो बाहर बाहर कितना अच्छा है। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट लंदन पहुंचने वाले हैं। चिकू सो गई, सुनीता भी एंजॉय कर रही है। मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ, अब रियलिटी क्या पता नहीं। हमने इसको जबरदस्ती बस में ले आया इसको। ये इट वॉज गुड बस। रमेश को मिस कर, रमेश छूट गया पीछे। लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताऊंगी क्या हुआ। स्टेशन है, अंडरग्राउंड स्टेशन। तो फाइनली हम इस विक्टोरिया स्टेशन पहुंच गए बिना रमेश के। अब हम एक्चुअली रमेश हमसे पहले पहुंच गए, क्योंकि रमेश की बस छूट गई थी। तो वो ट्रेन से आया, तो ट्रेन जल्दी आ जाती है। मतलब डेढ़ घंटे का रास्ता था और बस से 3 घंटे का। तो रमेश हमसे पहले ही पहुँच गए थे, तो बस हम उसके उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। चिकू अभी हम बाहर जा रहे हैं। फाइनली अब रमेश भी हमारे साथ है, और उससे मिलके इतना अच्छा लग रहा था रमेश को। भले ही वो 3 घंटे की बात थी, लेकिन सच में वो बहुत बुरा लगता है। पापा, ये आपका पहला लंदन ट्रिप है, कैसा आपको लगा अभी तक? जितना देखे आपने, जितना भी घूमा, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा है ना? ये लग रहा है थोड़ा शहर जैसा है। नया सब देख रहे हैं। हाँ, और इतने सारे लोग, जनरली जहाँ हम रहते वहाँ पे इतना सन्नाटा ही रहता है। सब तरह की मम्मी गाँव का नाइट है ना। मम्मी को पूछिए ना, जो मम्मी कह रही थी आदमी है नहीं है, देखिए। हाँ देखो कितने कितने आदमी दिखाई पड़ रहे छे की नहीं। और आज बढ़िया रौदा भेल छे। चिकू रमेश गए हैं, एक्चुअली होटल है हमारा सारा सामान रखने के लिए। एंड हम यहाँ पे सोचे तब तक मम्मी पापा को बकिंगम पैलेस दिखा देते हैं। सो हियर आई एम। और अभी थोड़ा सा हाथ फ्री हुआ है। एक्चुअली वो मैं प्रैम ही चला रही थी, और ट्यूब के अंदर और अंडरग्राउंड में बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कुछ भी ऐसा ब्लॉगिंग नहीं किया। आई विल शो यू अराउंड। कंसंट्रेशन बस वहीं पे है। क्या क्या मामा अनंता सुनीता डेब्यू करना है मेरे वीडियो में। हाँ सुनीता कौन है? हम मतलब हम लोग सुनीता को ऑलमोस्ट 2 साल से जानते हैं, राइट? 2.5 साल से इसको हो गया है। 2 और 2.5 में बहुत डिफरेंस है। सो
ये है हमारी क्वीन का घर और इसके सामने ये कोई स्टैचू है, आई डोंट नो किस चीज़ का है, आई शुड नो बट अभी नहीं पता है। मम्मी पापा यहाँ पे, रमेश बता रहे हैं यहाँ के बारे में। बोरा लंदन आई, वहाँ पे जो दिख रहा है ना ऐसे गोल गोल, दैट इज़ लंदन आई। सब वॉकेबल ही है यहाँ से। धूप है अच्छी काफ़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैकेट निकाल दिया मैंने, लेकिन धूप आ रही है जा रही है। ये गार्डन है यहाँ का जो जस्ट ये पैलेस के पास में ही है, छोटा सा बट अच्छा है, नाइस। चलो देखते हैं, सब लोग चॉपर को देख रहे हैं, लेट्स सी वहाँ क्या हो रहा है। सो ये चॉपर है, पता नहीं जिसको उतरना था उतर के चले गए। कोई तो इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, पता नहीं कौन है। चलो शॉपर वापस जाने लगी ड्रॉप करके। कहाँ अनंता, जहाँ बोलो वहाँ खींचेंगे, बताओ। अभी मैंने भी ट्रेनिंग शुरू किया है। मेरा परिवार पीछे पीछे थोड़ा, मम्मी पापा ही आगे रहते हैं, मम्मी पीछे हो जा रही है। हाँ दिस इज लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल मैन। यार वापस से मेरे को ऐसे फील हो रहा है, वापस से मैटरनिटी शूट वाला सीरियसली। ये लोकेशन देख के हाँ ऐसे मेरे टाइम पे थे पता नहीं, बट वी मिस्ड आई थिंक। बट उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे। ये मम्मी पापा का फोटो के लिए चल रहा है कि कौन सा पोज कहाँ पे खड़े हो क्या करें। और यहाँ पे कितने सारे कैमरामैन, सॉरी वुमन भी है। देयर कॉलिंग मी एज़ ब्लॉगर ना। फाइनली लुक एट दिस स्ट्रीट मैन, आई लव 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 दीज बिल्डिंग्स। मुझे ऐसी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, पुरानी ओल्ड। दिस इज यूके, यस तो लंदन, सॉरी नॉट यूके बट लंदन। बड़ा मज़ा आता है स्ट्रीट को वॉक भी करके, बड़ा मज़ा आता है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आई एम डिस्चार्जिंग विद माय क्या बोलते हैं पावर बैंक, तो ये चार्ज भी हो रहा है और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, आज वो कोई रेस्टोरेंट मिल जाए क्योंकि खाने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली, 3 बज गए। चलो देखते हैं कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट, कोई इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा मिल जाएगा तो हम वहाँ पर खाना खाएंगे। चिको सॉरी बच्चा, आज फुल इग्नोर हो रही हो तुम मेरे से। बोलो मम्मी, जी लो अपनी ज़िंदगी। ये लंदन आई के जस्ट अपोजिट में है हम यहाँ पे। अरे यार वायर सारे लेके घूमने पड़ रहे, चलता है अभी आदत हो गई। चलो देख रहे हम लोग, सोच रहे हैं कि लंदन आई में बैठे या नहीं बैठे, को बिठाए नहीं बैठाए, देखते हैं क्या करना है। चिको दे दे
बिग बैन के पास आ गया हूँ।